देखिए आज के दौर में जबकि हम COVID-19 की स्टेट से गुजर रहे हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दौर जो है हम सबके जीवन में आ जाएगा और हमारा जीवन अचानक से एक अलग ही राह पे चल निकलेगा। और हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो है शुरू से ही इस बात का समर्थन किया है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, शुरू से जब कोविड की स्थिति थी भी नहीं, लेकिन अचानक इस स्थिति ने हम लोगों को अवेयर कर दिया कि अब ये तो आपके जीवन का एक अंग बन गया है, ये हो गया या मास्क हो गया, जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा लेते या हो सकता है शायद वैक्सीन के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में ऐसी चीज़ों का लॉन्च होना, ये एक JB हैंड सैनिटाइज़र का लॉन्च होना, ये सभी के लिए एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने का एक अच्छा मौका है। ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऐसी चीज़ें बननी चाहिए और इसका रेट भी फिक्स होना चाहिए, जिससे एक आम आदमी भी इसे बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये चीज़ अब हमारे जीवन का हिस्सा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम सैनिटाइज़र अपनी जेब में रख के घूमेंगे और अब हम जाते हैं जहाँ भी जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये अब हम तो है वो रिझाने के लिए दूसरों को वो परफ्यूम और वो रखते थे, अब ये रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब भाभी जी के पास भी जाएंगे तो ये लेके जाएंगे क्योंकि वो भी कहेगी दूर हटो जी। सो आपको पता है भाभी जी और उनके बीच में क्या आ गया, सैनिटाइजर। तो हमारे और भाभी जी के बीच में भी अब ये आ गया है क्योंकि वो परफ्यूम को इतना महत्व ना देकर इसे ज्यादा महत्व दे रही है। और तो ये भी सस्ता नहीं है। बिल्कुल अवेयरनेस बिल्कुल क्रिएट करनी चाहिए, हमारे जैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आना चाहिए। और पारस जी और सर से परिचय में संजय जी से जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए, और बहुत सारे लोग देते भी हैं, एक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आगे आ रहे हैं, मैंने देखा है, अभी हम लोग तो आ रहे हैं, हमारी टीम भी आ रही है आगे। तो ये एक इनिशिएटिव है जो सोशल अवेयरनेस के लिए है, तो इसमें हिस्सा क्यों ना लें, ज़रूर लेना चाहिए, और एक्टर्स को तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जैसे आपको हम अपने ही बारे में बता रहे हैं कि जब ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था मोदी जी ने, तो उन्होंने हम एक्टर्स की ताकत को समझा था, आपको बताएं, क्योंकि उस समय भाभी जी घर पर लॉन्च हुआ था और बड़ा ज़बरदस्त इसका क्रेज़ हुआ था। तो उनका पर्सनल खत आज मेरे पास है कि अगर आप लोग उनके ऑफिस से पर्सनल लेटर, प्राइम मिनिस्टर का लेटर, कि अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम स्वच्छ भारत अभियान को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो तब हमें हुआ था जब हमारी अहमियत प्राइम मिनिस्टर समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें। जी जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेज थी जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग चीज़ें देखने लग गए थे, देखते भी हैं आज भी देखते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद अब जो है कॉमेडी की तरफ बढ़ रही है जहाँ तक देखा, क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं, टेंशन भरी ज़िंदगी है, कोविड ने आकर वैसे ही आपको इस स्थिति में पहुँचा दिया है कि बहुत सारी चीज़ें बंद, लोगों के रोज़गार चले गए हैं, बहुत बुरी स्टेट में है, धंधा पानी बहुत बुरी स्टेट में है। तो ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार करने के लिए कॉमेडी सीरियल्स होते हैं जो बहुत मदद करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन किया है, मेरी मम्मी बेड पर है सर, शी इज़ इन ICU, प्लीज़ बात करो, और कैमरा में बात कर रहे हैं, बेटा तुम हमें हंसा रहे हो, तुम मुझे इस समय हंसा रहे हो, बस मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो आई फील सो गुड, मैंने कहा ईश्वर आपने ये मौका हमारे जैसी शख्सियत को दिया जो कि एक छोटे से टाउन से हम उठकर आए थे, एक बम्बई जैसे महानगर में जो समुद्र है, हमारे जैसे पता नहीं 3650 लोग हैं यहाँ पर, वो तो मेरे पापा बोलते हैं ना कि नेम फेम मनी ये विधि हाथ, इसमें विधि का हाथ है, तो शायद विधि को ये मंजूर था। बहुत कम लोगों को पता है कि रेखा जी आपके साथ आए हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं रियल वाइफ
नहीं पता भाभी नहीं पता किसको नहीं पता सबको पता नहीं तो ये रेखा गौड़ है मेरी वाइफ है और ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिफिक असिस्टेंट थी. इनकी काफ़ी लंबी जर्नी रही है कैंसर पेशेंट्स के साथ, कैंसर की दुनिया में कैंसर के रिसर्च को लेकर, जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है उनको लेकर. ये इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कैंसर वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जो इस समय कोविड की भेंट चढ़ी हुई है, लेकिन जल्दी ही फिर से ये शुरू कर देंगी ऑनलाइन. पूरा एक फ्लो सिटोमेट्री नाम का एक सब्जेक्ट है जिसके साथ ये डील करती हैं. और तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी टीम के साथ ये उनके टच में है और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करती हैं. हमारी एक संस्था है ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन, जिसकी स्थापना मेरे पापा ने शिमला में 1955 में किए थे. भारत जी जानते हैं, बलराज सहनी साहब के साथ मिलकर, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ, क्योंकि शिमला के ही थे, हम भी शिमला के हैं, तो उसका सारा कार्यभार अब हम देखते हैं, जिसके तहत हम ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन्स, ड्रामा फेस्टिवल्स, डांस फेस्टिवल्स पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज करते हैं. उसका कार्यभार भी अब यही देखती हैं. क्योंकि मैंने वीआरएस लिया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि इनको संभाल नहीं पा रही मैं. अभी भी भाभी के पीछे भाग रहे हैं. तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब एसोसिएशन संभाल लूँ और अपना जो भी साइंटिफिक इवेंट चलता है मेरा, वर्कशॉप, वो संभाल लूँ. क्योंकि अदरवाइज तो अब मेरे पास आ गया है जेबी सैनिटाइजर, छपी छाओ फिश 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 करते रहूँगी मैं तो. नहीं, असल में क्या है ना कि रोहित जी, जिस तरह से आप लोग जानते हैं इनको, ये जो भाभी जी, मैं वैसे तो नहीं है, अदरवाइज यू ऑल नो हिम एज अ पर्सन. ये अपना काम जो एज एन एक्टर काम कर कर उसके बावजूद भी, उसके बाद भी ये एसोसिएशन को संभालने में मेरी मदद करते हैं. लेकिन बड़ा इनका हाथ है हर चीज़ में, क्योंकि एक इतना बड़ा एक्टर, नॉट बिकॉज ये मेरे हस्बैंड है इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, रोहित कान बंद कर दीजिए, लेकिन ये जैसे समाज सेवा बोलते हैं, जो बोलते हैं वो सोशल वर्क, बहुत अच्छा टॉपिक है इस तरह से बोलना, चैरिटीज़, ये हम पहले से करते आए हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे. तो हमने एक अवेयरनेस, जब कोरोना आया तब उसी वक्त हमने एआई के थ्रू, हमारी एसोसिएशन के थ्रू हमने एक फिल्म बनाई थी कोरोना से डरो ना, और दूसरी एक हमने गाना बनाया था, है ना, वांट टू लिव फ्री अगेन. सो ये हमने ऑलरेडी बना दिया उसी वक्त ही, और इसके बावजूद भी रोहित जी हमेशा, जैसे कहा ना अवेयरनेस के लिए, आप देखेंगे कि इन्होंने जितने इतने सारे लोगों के साथ में कोलैबोरेट किया है पूरे 1.5 साल में, आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनीबडी डूइंग दैट जिस तरह से. और हम अभी 2 जून को, अगर आप लोगों को पता होगा, एक बड़ा एक वीडियो था जहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर्स पीपी किट पहन के डांस कर रहे हैं, बड़ा वायरल हुआ था वो प्रोग्राम. वो प्रोग्राम जो नेस्को में 2 जून को हुआ था, जो 1 साल नेस्को को पूरा हुआ था, वो प्रोग्राम भी हमारे एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया था विथ माँ नटिया समाज, क्या माँ वरदायनी समाज. तो वो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, और कोविड सेंटर में, नेस्को कोविड सेंटर जो जम्बो सेंटर है इंडिया का, उस वार्ड में हम 11 लोग गए थे, 11 लोग में हम 2 भी थे, पीपी किट पहन के, पूरी पहन के पूरे हम कोविड पेशेंट के साथ वहाँ थे. ये एक्चुअली हमारा डांस थेरेपी सेशन था कोविड पेशेंट के लिए, लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ 1 ईयर सेलिब्रेशन फॉर नेस्को. इट वॉज अ 1 ईयर सेलिब्रेशन. तो ये डॉक्टर्स, नर्सेस, वहाँ के स्टाफ सब साथ में झूमे. हम वार्ड्स में गए, हमारा जो म्यूजिक सिस्टम था पूरा साथ में, हमारे जो बोलते हैं आजकल जो डीजे सिस्टम पूरा था, हमारे कैमरामैन, तो टोटल 11 थे उसमें. रोहित जी थे वहाँ पे, और जब बताया गया है वहाँ पे सबको, क्योंकि पीपी किट में थे, यू कांट इवन मेक आउट कि कौन रोहित है कौन रेखा है. तो जब इन्होंने बात की, भाभी जी घर पर है, जब शुरू हुआ तो सब लोगों को पता चला कि ये हैं हमारे तिवारी जी, मिलने आए हैं आज. तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे पेशेंट्स आके, डॉक्टर्स आके, जो भी स्टाफ आके, इनसे सेल्फी मांग रहे थे. तो मैंने किसी को पूछा कि दिख तो नहीं रहे हैं कि कौन है ये, तो हाउ डू यू, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा सेल्फी का कि किसका. तो बोले नहीं, हमको पता है ये वही है और हमारे लिए इतना काफ़ी है. और इनके पास रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बोलो भाभी जी बोलो. और रोहित जी वहाँ पे एक्चुअली मैं पेशेंट के साथ थे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि वो हमने सोचा, हिम्मत की और ये हमारे साथ है. वरना आपको पता है कोविड सुनते से सब लोग पीछे भागते हैं. बट 2 जून का वाज आज. पारस जी से मेरी मित्रता हमारे सेट पर हुई थी. ये हमारे सेट पर आए थे और सोशल कॉज के लिए जो काम करते हैं, मैं उस इनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ. मैंने कहा आप और क्या क्या करते हैं, तो इन्होंने एक लंबी फहरिस्त मुझे बताई. मैं ये करता हूँ और
मैं यहाँ यहाँ आपको बुलाऊंगा, बुलाया भी बीच में, साथ दिया भी यानी बेटी हाँ, बचाओ का भी बेटी बचाओ हाँ, उसमें सीएम वांट्स टू ऑनर हिम, हाँ, अब वो टाइम ले रहे हैं हिमाचल के सीएम हाँ, कि कब जाके, तो वो बातचीत भी हमारी चल रही है। तो इनके आने से फिर मुझे लगा कि हमें इनके साथ साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो संजय जी से मुलाकात यहीं हुई, तो ये इस कार्यक्रम की वजह से हम यहाँ उपस्थित हुए, पारस जी की वजह से। और पारस ने एक और कहा है कि वो ये सैनिटाइजर लॉन्च कर रहा है, उसके जो मुझे पता है, रोजी को पता भी होगा, कि वो एनजीओ से मिलके भी उनको सपोर्ट करेंगे, एनजीओस को देंगे, हाँ, हॉस्पिटल्स को देंगे। सो ये एक सपोर्ट बहुत बहुत जरूरत है, ये तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड सो वी आर एक्चुअली वी इंप्रेस्ड एंड वी आर वी फील हां इस बात से वी आर रियली फील ग्रेट टू बी ज्यादा तादाद में आप जा सके, हां जी, लोगों तक पहुंचेंगे, एवरीबॉडी इज नॉट एबल टू परचेज, नहीं नहीं, क्योंकि आते हैं रिक्वेस्ट ना पेशेंट्स को, हर एक को लगता है कि हमें एक कोई दे दे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया हमारे डेली लाइफ में, सब इसको झेल नहीं पाते हैं। तो भाभी जी घर पर है, देखते रहते हैं, हम रिपीट भी 5 6 7 टाइम्स आराम से, तब भी होता रिपीट चल गया, कोई वाली हंसी हमारे फेस पे होती जो फर्स्ट टाइम में होती है। और बहुत भैया ने मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उसमें बहुत साथ दिया हमारा, लोगों तक मैसेज पहुंचाया कि क्यों मतलब बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसमें बहुत मैसेज को आगे पहुंचाने में मदद करी हमारी दो बेटियां हैं। धन्यवाद कहना चाहूंगा संजय जी, अभी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप, ऐसा महसूस कर रहे हैं? हां ऑलरेडी आप लोगों से जैसा बात हुआ, और इस प्रोडक्ट को लेकर के मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मुझे लग रहा है अगले 3 महीने बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और मास्क और बाकी चीज़ों को जो हम वन बाय वन लेकर के आ रहे हैं, मल्टी विटामिन्स जो पारस जी ने बताया एनजीओ के थ्रू कॉस्ट टू कॉस्ट लोगों को देने की, इसके पहले भी मैंने बताया कि जो लोग एबल नहीं है कि हम इसे बाई कर पाएँ, हमारी टीम है ऑल ओवर इंडिया जो जरूरतमंदों को हमारी कॉस्ट पे भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा करके अपनी इनकम से वो पैसे डिडक्ट कराते हैं। आप बिलीव करेंगे 100 रुपए के एमआरपी का ये सैनिटाइजर का मतलब कॉस्टिंग एक्चुअल कितना होता है? एक्चुअल कॉस्ट इज 13 रुपीस, 100 रुपए का एमआरपी 13 रुपए में तैयार हो जाता है, और वो भी हाई क्वालिटी का सैनिटाइजर। आई नो दिस बिकॉज हम जब लैब में काम, हम तो लैब में काम करते रहे हैं, तो ये हम बकायदा जो है ना इसमें होता है 70% इथेनॉल, और अब कैसे ये हम खुद बनाते थे, और ये लीटर में बनाते थे, मैं बनाती थी, और मुझे पता है सैनिटाइजर क्या होता है, क्योंकि हम कल्चर वर्क जो करते हैं, आपने रियल टाइम PCR RT-PCR ICMR सब सुना है ना, ये सब हमने साथ में काम किया है ICMR के प्रोजेक्ट और फंड्स में, तो ये ऐसे बनता है जो कह रहा है ना पारस एक्चुअली में। बट जैसे जब क्वालिटी लेकिन अच्छी, कहीं मार्केट में नजर आते हैं आप, मतलब मार्केट में बहुत महंगा है, जी जी, आप ये लगा के देखिए मार्केट में आया जो है ना, तो ये अगर रीजनेबल है और अफोर्डेबल है तो मेरे ख्याल से एवरीबॉडी विल गो फॉर इट, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वी वांट, एवरीबॉडी नोस दैट। थैंक यू सो मच जेबी हैंड सैनिटाइजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जेबी का बता दो फुल फॉर्म। जनता बाजार। हां जनता बाजार, जनता के लिए जनता बाजार का देखिए, जनता बाजार है ना। एक आप दे दो फोन से निकालते हैं इमीडिएटली, ये तो मेरे पास फोन से निकाला आपने, ये फोटो एक्चुअल हम इधर निकाल लेंगे, डाल देंगे मैं डाल सकते हैं दिलविंदर पाजी, इससे थोड़ा वीडियो बना आ जाए, आ जाए कम से कम टिक टिक स्क्रीन है, ठीक है, कम करना और मो सर हेलो ठीक है, दिखाओ सर सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं,
मैं संजय सिंह एक छोटे शहर से आता हूँ, गोरखपुर यूपी से, और इस कोरोना काल में सैनिटाइजर लॉन्च करने के पीछे का मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है, इस पे हम आएंगे। लेकिन उसके पहले जो आपने पूछा सेलिब्रिटी के बारे में, तिवारी जी को जो भाभी जी घर पे हैं के मेन लीड में हैं, रोहितास गौड़ तिवारी जी के नाम से जिनको जानते हैं, उन्हें हमने इनवाइट किया है इसके लॉन्च के लिए, वो अभी आते ही होंगे। इज़ ऑन द वे। मुंबई का शहर है, काफ़ी जाम रहता है, समझ सकते हैं थोड़ी बहुत लेट हो सकती है। खैर, उनको इनवाइट करने का रीज़न था, आज का दिन जो है स्पेशल, मैं इसे इसलिए भी बनाना चाहता हूँ, संयोग बस आज ही मेरा बर्थडे भी है, और सैनिटाइजर लॉन्च पिछले बर्थडे पे तिवारी जी ने उनसे मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने बर्थडे विश किया था और बोला था अगले साल आप जो भी प्रोजेक्ट्स ले करके चल रहे हो हम चाहेंगे कि एक अच्छे लेवल पे देखें। हो सकता है उनके मुंह से निकली हुई वो बात थी कि आज हम सैनिटाइजर के साथ आपके बीच में हैं। मैं कतई इस प्रोडक्ट के पक्ष में नहीं रहता है। क्या कोरोना काल आया, इतनी भयंकर महामारी बीमारी आई, इसमें भी लोगों ने, आप लोगों ने देखा, दवाओं के नाम पे, हर चीज़ के नाम पे लोगों ने लूट मचाई और मिलावट कर करके जहाँ से हो सकता है अपने पैसे बनाने के चक्कर में लोग हैं, लोगों की सेहत का कोई ख्याल नहीं। मार्केट में बहुत सारे सैनिटाइजर्स आपको मिलेंगे जिसे आप हैंड रब करते हैं और उसके बाद से आपको अपने हाथों में जलन तक महसूस होती है, आपकी स्किन खराब हो जाए। कंपनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से फर्क पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे इस जेवी सैनिटाइजर को 95% अल्कोहल जिसमें है और बाकी लेमन फ्लेवर में, एलोवेरा फ्लेवर में, मतलब ऐसी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया गया जिससे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से, कि अल्कोहल वाला ही आपका सैनिटाइजर हो जो इस बीमारी से बचाव में आपकी मदद करेगा, तो वो इसमें कूट कूट करके भरी हुई है। हमने अपने प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल नहीं रखा है, लोगों की सेहत का ख्याल रखा है। तो उसके बाद इससे कभी भी यूज करिए, कितनी क्वांटिटी में यूज करना है पोर्टल पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस क्वांटिटी में आप यूज करते हैं, कभी भी आपकी सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से हम इस मार्केट में उतरना चाह रहे हैं कि भले ही हमारा प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन लोगों को एक ऐसी चीज़ मिले जिससे उनके सेहत पे इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि खाना खाने का माध्यम, कुछ भी करने का माध्यम हमारे हाथ ही हैं। जब हमारे हाथ ही खराब चीज़ों को लेकर के अंदर जाएंगे, फिर क्या सेहत पे असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। इस वजह से हम आज के दिन इस सैनिटाइजर को लॉन्च करने जा रहे हैं। ही इज़ माई लाइक ब्रदर, मेरे बड़े भाई की तरह है संजय जी, तो काफ़ी टाइम से हम जुड़े हैं। इन्होंने बताया हमें कि ये सैनिटाइजर लॉन्च करना है, इन्हें बोला करते हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। सर, और कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? दैट्स इट, थैंक यू। सर, लेकिन ये भी है कि कॉम्पिटिशन बहुत है इस मार्केट में, कई कंपनीज आई हैं जो सैनिटाइजर लॉन्च किए हैं, आपका सैनिटाइजर कोई यूज करे या कोई विश्वास करे तो क्या बोलिए? हाँ, देखिए, कंपनियां बहुत हैं मार्केट में, कोई गलत करता भी है ना तो बता करके आज के डेट में लोग गलत करना शुरू कर चुके हैं कि बॉटल पे सीधा लिखते हैं 70% अल्कोहल, तो उसमें 70% ही होगा। लेकिन अब जो गवर्नमेंट चल रही है ना, अगर आपने बॉटल पे कुछ लिखा है तो आप उसकी क्राइटेरिया पे खरे उतरने चाहिए। इसलिए बाकी मैक्सिमम कंपनियां 99%, 1% को अपवाद छोड़ देते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी लिख करके बेचते हैं। लेकिन जिन्हें वास्तव में बिजनेस करना है, व्यापार करना है, वो अपनी चीज़ों पे डिस्क्रिप्शन सही देंगे, तो वो चीज़ हमने करा है। एक ये तो हो गई इसकी क्वालिटी को लेकर के। दूसरा आपने पूछा कंपटीशन है मार्केट में, और आप इसे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि मैं आप लोगों से अगले 3 महीने बाद जब दोबारा मिलूं तो
तो हो सकता है मार्केट में जेबी के अलावा कुछ और ना दिखे, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, एक जो छोटा दुकानदार होता है ना, ये आजकल रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी, आपके घर में आटा चावल दाल नहीं है तो एक दिन चल सकता है, लेकिन सैनिटाइजर नहीं है तो आप नहीं चल सकते, मास्क नहीं है तो आप जितने का दिन भर में खाना खाते हैं, एक नॉर्मल आदमी जो खाना खाता है उससे ज़्यादा फाइन भर देगा। तो मास्क और सैनिटाइजर डेली यूज की चीज़ें हो चुकी हैं। इसमें हम अगर ब्रांड हैं, ठीक है, हम अभी ऐसी पोजीशन में हैं कि जहां हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्रांड हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम ब्रांड नहीं हैं। नॉन ब्रांडेड जो लोकल लेवल पे प्रोडक्शन लोग करते हैं, वहां पे देखें लोकल लोगों का जमावड़ा है, उनसे तो हमारा कंपटीशन है ही। ऊपर के लेवल पे जो कंपनियां हैं उनसे भी हमारा कंपटीशन है, मतलब हम बीच में फंसे हुए हैं। इसके बावजूद भी एक अगर किराने का दुकानदार है, अगर एक मेडिकल स्टोर वाला है या कोई भी व्यापारी है, तो वो हमारा सैनिटाइजर बाकी कंपनियों को पीछे रख के फ्रंट पे क्यों रखे? इसकी सबसे बड़ी वजह है ये ब्रांड। हमारे साथ जो पिछले 15 महीने से जो कम्युनिटी जुड़ी हुई है, उसकी मेहनत और जो हम अपने स्टॉकिस्ट से ले करके कस्टमर तक को देने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग, कस्टमर की प्लानिंग को हम अभी रहने देते हैं, वो डायरेक्ट दुकानदार बताएंगे। बाकी जो हमारा मतलब जो स्टॉकिस्ट होगा वो हमारा हर महीने एक कार खरीदने की कैपेसिटी रखेगा, वो भी एज ए गिफ्ट होगी, तो उसकी खरीदी हुई लेकिन ये भी सैनिटाइजर के तरफ से दिया हुआ गिफ्ट होगा। और जो एक बहुत छोटा दुकानदार होता है ना, वो भी हर महीने एक स्मार्टफोन जितनी इनकम हमारे सैनिटाइजर को बेच करके बना पाएगा बिना प्राइस को ऊपर किए हुए। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला, हम यहाँ पे अपनी मार्जिन बनाने नहीं आ रहे हैं, हम एक ब्रांड बनाने आ रहे हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट लोगों को देने आ रहे हैं जिससे कि लोगों की हेल्थ पे भी असर ना पड़े और रोजगार के अवसर भी लोगों को मिले। देखो, हॉस्पिटल्स वगैरह में और बाकी सब जगह तो सैनिटाइजर पहले भी चलता था और अब आगे भी चलता ही रहेगा, तो ऐसा लगता नहीं है मेरे को। और बाकी जो आपका बिजनेस बैकग्राउंड है, बाकी जो आपके इनिशिएटिव, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो क्या? एक्चुअल में हम लोग अभी सैनिटाइजर के लॉन्च पे हैं, तो इससे रिलेटेड होगा तो ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच।